उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज पुलिस चौकी दुबार कला को 25 सितंबर 2021 को भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई मिर्जापुर द्वारा रामलीला मैदान दुबार कला में आकस्मिक किसान बैठक रखी गई, जिसकी सकुशल अध्यक्षता फौजदार मौर्य के द्वारा की गई और कुशल संचालन रामराज पटेल के द्वारा की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा वर्तमान सरकार पर तीखा तंज कसते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिसमें भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 3 काले कानून पर चर्चा करते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया गया और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों से अपील की गई कि अब वह समय आ चुका है इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाना और भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने सभी लोगों का आह्वान किया। साथ में जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह, रेलवे संघर्ष समिति अध्यक्ष अनिल सिंह, सेना नायक परशुराम मौर्य, चुनार तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष लालगंज इंजीनियर वीडी सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिजराज सिंह उर्फ राजू, तहसील महासचिव जनक राम अग्रहरी, तहसील महासचिव महेंद्र तिवारी, लालगंज ब्लॉक उपाध्यक्ष कुणाल सिंह, ग्राम अध्यक्ष भेड़ा मार्कडेय पटेल, राम किशन पटेल, रविंद्र सिंह, शिवदयाल मौर्य और तमाम कार्यकर्ता और सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए धनंजय मौर्य की खास रिपोर्ट। माहौल यहाँ की है जिस तरह से है उसे दिखाई नहीं देता कि कृषि कानून से लाभ होगा, उसको बहुत क्षति दिखाई दे रहा है। इसलिए इसके विरोध में हमारे बॉर्डरों पर 10 महीने से किसान डटे हुए हैं। उस किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो आह्वान किया गया है कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसी के कड़ी में आज हम लोग इस लालगंज तहसील के दुवार कला में बैठे हुए हैं। अपने किसानों को संगठन के संबंध में भी कुछ विस्तार करने के संबंध में और उस 27 सितंबर को भारत बंद आह्वान को सफल बनाने के लिए इस मीटिंग चल रही है और इसमें आने वाले समय में भी धान क्रय खरीद होना है, इसके संबंध में भी तमाम विसंगतियां हैं, उसके बारे में भी किसानों को हम अपना जानकारी देंगे रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में और सभी जो समस्याएं हैं किसानों को उसी संबंध में यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है। मैं सिद्धनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर। सर, ये आज जो दुबार कला के रामलीला मैदान के प्रांगण में जो आज किसानों की बैठक की गई है या बैठक की जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? ये आज जो बैठक चल रही है, जो किसान आंदोलन पूरे किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा जो 40 किसान संगठनों का दिल्ली के सभी सीमाओं पर चल रहा है 10 महीने से, 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय महापंचायत हुई उसमें घोषणा किया गया कि 27 तारीख को पूरे देश के किसान सड़कों पर होंगे और पूरा भारत बंद रहेगा, इसलिए कि तीनों काला कानून जो कृषि कानून है वापस किया जाए और जो MSP है न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कानून का दर्जा मिले, यह जो आंदोलन चल रहा है उसी पर चल रहा है। उसी के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं कि लालगंज तहसील की ये बैठक है, इसमें लालगंज ब्लॉक और हलिया ब्लॉक के कमेटी के लोग हैं कि इस ब्लॉक में मेरा संगठन मजबूत करके ये आंदोलन को सफल बनाया जाए। जी सर, तो ये बताइए कि ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है ये कितने तारीख को किया जाएगा? ये 27 सितंबर को होगा। सर, इसका मेन प्रॉपर जो प्लेस होगा भारत बंद करने का आह्वान किसी प्रदेश लेवल में है या कहीं पूरे भारत में? ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में होगा पूरा। सर, आप लघु किसान या बड़े किसानों को क्या संदेश देंगे? ये छोटा किसान बड़ा किसान नहीं, किसान इसमें 80% किसान है इस समय, चाहे एक व्यक्ति का किसान हो चाहे 100 बीघे का किसान हो, किसान तो किसान है, उसमें बांटनी है। सरकार छोटा किसान बड़ा किसान करके जो बांटने की कोशिश कर रही है ये गलत है। हम किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो चाहे कोई हो। मैं वीरेंद्र सिंह, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर।
सर आज ये जो बैठक की जा रही है इसका उद्देश्य क्या है और आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे इस भारतवर्ष में किसानों के विपरीत जो तीनों कानून बनाए गए हैं, सरकार कहती है हित के लिए है, लेकिन जो किसान फील्ड में काम करता है, जिस परिस्थिति में गुजरता है, जो माहौल यहाँ की है, जिस तरह से है, उसे दिखाई नहीं देता कि कृषि कानून से लाभ होगा, उसको बहुत क्षति दिखाई दे रहा है। इसलिए इसके विरोध में हमारे बॉर्डरों पर 10 महीने से किसान डटे हुए हैं। उस किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो आह्वान किया गया है कि 27 सितंबर को